डाली डाली फूलों ये मु लोग आ गए हैं और यहाँ भी थोड़ा चाय नाश्ता, ये भी आ गए हैं और ये देखो। वैसे जब भी मेला लगता है हम हमेशा आते हैं यहाँ, और ठंडा बहुत हो रहा है, सारे लोग आ रखे हैं जैकेट वैकेट में शॉल पीहू, अकेले ट्रेन के मजे ले तो हेमू बोल रही है अनलिमिटेड है सुबह से आगे। हाँ, जो आज का मेला लगा है इसे हम सरोजनी नगर मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। ये इतना प्यारा ब्लेजर, ये वाला ब्लेजर मैंने फाइनली ले लिया है क्योंकि मेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू पार्ट। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज हमारी थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजिंग है। आज हम ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं, यहाँ मेला लगा हुआ है, मेला देखने सेक्टर 5 पे। लोग आ गए हैं और यहाँ भी थोड़ा चाय नाश्ता चल रहा है और फिर हम जाएंगे मेला देखने। पीहू कहाँ जा रहे हैं? मेला कहाँ जा रहे हैं बोलो? मेला देखने। ये भी आ गए हैं और ये देखो क्या सभी को पता चल गया कि लाइक हमारे चैनल है और सभी लोग उसको प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। आई होप आपको ये टी शर्ट अच्छी लग रही होगी। बहुत मस्त लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी टी शर्ट लग रही है सही में। और एक तो हमारा लोगो इतना अच्छा है ना, तो सही में उसकी वजह से बहुत बाकी अच्छा लग रहा है। में ब्लॉग में कुछ चेंजेस आने वाले हैं तो वो आपको पता लगते रहेंगे, जैसे भी चेंजेस आएंगे आप एंजॉय करते रहेंगे। हम दोनों निकल गए और हेमू और संजय वो गाड़ी निकालने के लिए चले गए थे तो अब चलते हैं वहाँ। लेट हो गए हैं। वैसे जब भी मेला लगता है हम हमेशा आते हैं यहाँ और इस बार भी हमने सोचा क्यों ही छोड़ा जाए, एक चक्कर तो मार के ही आ जाए। क्या करना है? हम लोग पहुंच गए हैं, हेमू वो अभी आएंगे, अभी आए नहीं है, उनका वेट कर रहे हैं। इस बार का गेट और भी मस्त बना हुआ है, दिल्ली एग्जीबिशन एंड एक्सपोर्टी। ठंडा बहुत हो रहा है, सारे लोग आ रखे हैं जैकेट वैकेट में, शॉल में, स्वेटर में, और रात का टाइम है, हवा भी चल रही है, इसलिए मैंने भी पैक कर रखे हैं पूरे कान। क्या करना है? टिकट लेने हैं। टिकट क्यों लेंगे? हम ऐसे हैं क्या? अच्छा, सब चलेंगे। कितनी रात भी हो गई? मेले में रात को ही तो आते हैं। कौन है? छोटी दीदी है वो, छोटी। कौन है? उसका नाम क्या है? पीहू भी आ गई है यहाँ पर, पीहू भी खुश है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये देखो हम सारे लोग ऐसे ही उठ के आ गए हैं मुंह उठा के, और ये देखो ये अपना मास्क उठा के आए हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो इन्होंने ही उठाई है, बाकी सारे लोग तो ऐसे ही आ गए। क्यों? टू गुरुग्राम न्यू ईयर कार्निवाल, जो मैं कह रही थी क्या लगा हुआ है मेला, किस चीज का है वो मैं बताऊंगी। ये लगा हुआ है न्यू ईयर कार्निवाल, टिकट दे दी है, 30 रुपीज की एक टिकट है। यहाँ पर 8 है पूरी, 8 लोग जा रहे हैं अंदर, आपने गिना भी नहीं, 9 भी हो सकते हैं। सारे लोग हैं और पीहू छोटी बच्ची है, 3 साल से छोटी, 3 साल से ऊपर के बच्चों के टिकट लगेगी 30 रुपए पर पर्सन, और 3 साल से ऊपर के बच्चों की लगेगी, नीचे के बच्चों की नहीं लगेगी। तो ये कितना प्यारा है, यहाँ क्रॉकरी का सारा लगा हुआ है, यहाँ भी क्रॉकरी सेट लगे हुए हैं, ग्लास मग सब लगा हुआ है, बहुत प्यारा स्टॉक आया है इस बार, बहुत अच्छा स्टॉक आ रखा है यहाँ पर सर्दियों का, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉप आ रखे हैं, जैसे सरोजनी नगर मार्केट थी वैसे ही हमें लग रहा है यहाँ पर भी है, और बहुत रीजनेबल प्राइस पे। ये 250 रुपये का, ये देखो ब्लेजर आ रखे हैं यहाँ, 250 रुपये की सेल लगी हुई है ओवरकोट की ये, और ये 200 रुपीज की सेल है, और ये 150 के हैं सारे, इसमें बहुत सुंदर सुंदर हैं, और ये है 200 रुपीज, बहुत प्यारे प्यारे शराग आ रखे हैं, कुर्ती आ रखी है, देखो मजे आ रहे हैं, मस्त हो गई है। अकेले अकेले चाहिए बच्चों को, अभी पीहू गई थी जब वो अंदर नहीं जा रही थी, अब वो अंदर गई है जब पीहू बाहर निकली है। पीहू अकेले ट्रेन के मजे ले रही है,
हेमू बोल रही है अनलिमिटेड है, सुबह से आके बैठ जाए जब तक छेद ना हो जाए इसमें, जब तक वो ना कर दो, जब तक कूदते रहो। अब ये मेरे को लग रहा है छेद करने के बाद ही बाहर निकलने वाले, क्योंकि ये बच्चा है तो जिद्दी बच्चा है, जब तक नहीं निकलेगा जब तक छेद नहीं हो जाए। मेरे को लग रहा है भावना और वीरेंद्र को खरीदना पड़ेगा, ये घर पे ले जाना पड़ेगा खरीद के, क्योंकि अब ये उतरने वाली नहीं है। ओ छुछु आ गई इतनी जल्दी, पैसे देते छुछु आ गई। खाती हूँ क्या क्या चल रहा है यहाँ, लग रखा है स्टॉल, यहाँ लगी है भेलपूरी और यहाँ मिल रहा है स्वीट कॉर्न, यहाँ चाट पापड़ी और गोलगप्पे, यहाँ पर राम लड्डू मिल रहा है। और आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या अभी चल रहा है, लोग बहुत कम है बट अच्छा लग रहा है, खाली खाली है, मज़ा आ रहा है घूमने में, भीड़ भाड़ नहीं है, कभी कभी तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है बट आज बढ़िया हो रखा है। बट जिनकी शॉप्स लगी हैं उनको लग रहा होगा भीड़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो चलो देखते हैं। वाओ यहाँ बूट सा रखे हैं, ये कितने का है भैया, कितने कितने के हैं? 200 रुपये के हैं। 200 रुपये के हैं ये, 200 रुपीज़ के हैं ये वाले बूट, बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में तो, पर पता नहीं पक्का भैया 200 रुपये के बराबर चल जाएगा पक्का, या 200 के बराबर ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। वॉशेबल है, धोने वाला है, धो सकते हैं, गीला होके खराब तो नहीं होगा? नहीं खराब नहीं होंगे। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ भैया के यहाँ बूट्स लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे और बहुत रीजनेबल प्राइस में है, बहुत सुंदर। तो जैसे कि मैंने दिखाया अभी बूट्स मिल रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे 200 रुपीज के, तो अब चलते हैं और दिखाती हूँ मैं और क्या क्या यहाँ पर। कैमरा राइड करने लग गए हैं पीहू और पीहू के मामा, मजे हो, वाह कितने राउंड लगाएंगे ये नहीं पता। भैया क्या प्राइस है? 50 रुपए। कितने राउंड लगवाओगे? हो गया 50 रुपए का, ये एक राउंड था 50 रुपए का, वहां तक गए और वहां से आ गए वापस और ये 50 रुपए हो गए खत्म। फाइनली इसे खरीद के ही मानेगी, पापा मम्मी को यही रख के जाएगी। और बताओ भाई, पापा को यही छोड़ जाते हैं, पापा को यही रख दो और ये झूला इसको दिलवा के जाओ, छोड़ जाओ सुबह घर पहुंचा देंगे। 40 रुपए में पूरी रात कूदती रहेगी, भैया कह रहे हैं 40 रुपए में पूरी रात कूदती रहेगी, मैं सुबह घर छोड़ जाऊंगा। जो आज का मेला लगा है इसे हम सरोजनी नगर मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान है और सेम वही प्राइस पे जो हम गुड़गांव से सरोजनी नगर जाके लेके आते हैं, जितने में उतने ही प्राइस में यहाँ सामान मिल रहा है। तो आओ विजिट करो और अपनी मनचाही चीज सस्ते दामों पर लो। ये लोग आगे निकल गए, आगे देख रहे हैं। हेमू सही लगी हुई है ना मार्केट भाई, बहुत सही प्राइस पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। ये देखो ये ड्रेस लगी हुई है, इतनी प्यारी ड्रेस है, ये जैकेट लगी हुई है बहुत प्यारी लग रही है, शॉर्ट जैकेट, और ये है मात्र 250 रुपए। एक ये भी बहुत प्यारी सी ड्रेस है, हाई नेक है, थोड़ा सा गला बंद है इसका, और ये वन पीस ड्रेस की तरह यूज कर, वन पीस ही है। गेट के अंदर एंटर करते ही चौथे नंबर पे शॉप है भैया की, और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी हुई है, वन पीस लगे हुए हैं, 350-500 की रेंज में आपको बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो आके एक बार विजिट कर, दो चांस मिलेगा, अगर पूरा 500 मिलता तो कुछ भी लेके जाओ। क्या है? अगर पूरा 500 मिलता तो कुछ भी लेके जाओ यहाँ। अच्छा, और कितने का प्राइस क्या है इसका भैया? कितने का है? 30 का एक चांस, 50 का दो चांस। अच्छा, तो आपने 50 वाला लिया है, मतलब एक में दो चांस मिलेंगे ना, 30 रुपीज में दो बार खेलने के लिए मिलेगा ना। गिरे होने चाहिए। चलो ये 30 रुपीज में दो चांस मिल रहे हैं खेलने के लिए, अरे खेलो यार जाओ, 30 रुपीज में दो चांस मिल रहे हैं, एक गीता दिन। ओ भाई ये दो रह गए, बना लू भाई, बहुत है खेलने वाले खेल रहे हैं। ये 30 रुपीज में दो चांस मिले थे खेलने के लिए, एक में खेला गीता दी ने और एक में खेला भावना ने, तो दोनों ने एक एक चांस खेला बट इसमें से कोई नहीं जीत पाया, 30 रुपए इन्होंने गवा दिए हैं। बस थोड़ा मजा कर लिया और हमारा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया। ये इतना प्यारा ब्लेजर लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे हैं और सेल लगी हुई है, 100 रुपीज की सेल है, कोई भी ब्लेजर लो 100 100 100, और बहुत प्यारे प्यारे हैं। वो देखो आंटी जी ने जो ब्राउन कलर का लिया है, ये भी कितना सुंदर लग रहा है, आंटी दिखाना, बहुत प्यारा लग रहा है, 100 रुपीज का है, साइज थोड़ा बड़ा है, आंटी पहनेंगी तो क्या पता आंटी को आ भी जाए, थोड़ा सा लूज होगा शायद, बट 100 100 रुपीज की सेल लगे, बहुत मस्त इधर आ रखे हैं यहाँ पर। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एसएन से भी सस्ता हो गया है। ये 100 रुपीज का इतना प्यारा ब्लेजर मिला है और कलर भी इसका बहुत अच्छा है,
और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिला है। इतने प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिलेगा जितने की यहाँ सेल लगी हुई। मम्मी ने जो कोट पहना है ये वाला कोट, अभी हम सोच रहे हैं इसे फाइनल करें और बस 100 रुपीज का कोट है। ये वाली सारी 200 रुपीज की है और ये है सारी 300 रुपीज की। बढ़िया जैकेट्स हैं, सारी अच्छी लग रही है। इन्होंने ये लिया लॉन्ग कोट, पीछे जाना थोड़ा, ये भी 100 रुपीज का है, बहुत मस्त लग रहा है। देखिए गेट के अंदर एंटर करते ही है और मस्त जैकेट्स हैं। वो देखो कितना प्यारा है। हेमू ने भी एक और देख लिया है। हेमू दिखा, पहन के देखे, पहन के मैं नहीं पहनती। ये आंटी ने ट्राई करा है, बहुत प्यारा कोट है वैसे, बस थोड़ा सा ओवर साइज लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बट 100 रुपीज में बहुत ही अच्छा है। कैसा है आंटी, 100 रुपए का कैसा है वैसे सामान बताओ? बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो देखने? अब आगे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नहीं मिला है तो आगे ही जाना पड़ेगा। और हम भी आगे जा रहे हैं क्योंकि हमने भी अभी एक दो ले लिया है, हमने भी एक दो ले लिए हैं। बाकी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ क्या मिल रहा है। लॉन्ग कोट और लिया है और ये वाला भी 100 रुपीज का ही है और ये प्यारा इसका ये। और इसके शोल्डर भी ठीक आ रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कोट बड़ा होता है ओवरकोट और ये कंधे इसके सही नहीं आते, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं है 100 रुपीज में ये ले सकते हैं, पर आपको पता ही है मैंने पहले ही ऑलरेडी 400 ही शॉपिंग कर ली है, तो मैं लूंगी नहीं लूंगी इसका भी पता नहीं है और हो सकता है मैं इसे ले लूं। ये वाला ब्लेजर मैंने फाइनली ले लिया है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था तो छोड़ने का मन नहीं किया। ओनली 100 रुपीज का। ये देखो अब बच्चों ने ये ले लिया है, बबल ले लिया है, इसको सब लेके जाना है। ये देखो ये, वाह वाह, थोड़ा सा मैं यहाँ का भी दिखा दूँ, इतना सुंदर सुंदर है भैया। ये कितने का है? 250 का। बहुत प्यारे प्यारे आइटम लगे हुए हैं। सारी शॉपिंग हो गई है, सबकी मस्ती हो गई है, बच्चों की मस्ती हो गई है और संजय और वीरेंद्र गाड़ी निकाल रहे हैं और हम लोग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं सारे लोग मिलके। कैसा लगा पहले मैं पूछ लेती हूँ सबसे, बहुत अच्छा, मजा आया, शॉपिंग कैसी हुई? बहुत अच्छा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।